वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड किए थे अपने चैनल पे होम जिम इक्विपमेंट्स को लेकर। सबसे पहला तो ये वीडियो था कि जब मैंने नए जिम इक्विपमेंट्स खरीदे थे उसके बारे में मैंने बताया था। सेकंड जो वीडियो था, मैंने अमेजोन से एक होम जिम सेटअप खरीदा था, बहुत ही सस्ता मिला था मेरे को, उसके बारे में मैंने कंप्लीट रिव्यू किया था कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैसी क्वालिटी है। और थर्ड जो वीडियो था, मैंने एक नियर बाय शॉप से डंबल्स खरीदे थे 5 kg के, तो उसके बारे में मैंने बताया था। तो ऐसे 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे। ये 3 वीडियोस अपलोड करने के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने ये पूछा कि अगर हम ऑनलाइन जिम इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो कौन से ब्रांड के खरीदने चाहिए ताकि हमें बेस्ट क्वालिटी मिले और हमारे जो पैसे हैं वो वेस्ट ना हो। तो फिर फाइनली इतने सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ और वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन जिम इक्विपमेंट्स खरीदने का, फॉर एग्जाम्पल डंबल्स, रॉड या फिर प्लेट्स कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो आपको कौन से ब्रांड का खरीदना चाहिए ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी मिले और आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट भी ना हो। तो इसीलिए आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 ऐसे ब्रांड्स जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग जिम इक्विपमेंट्स खरीद सकते हो। और ये तीनों भी ब्रांड्स मेरे को कोई भी स्पॉन्सर नहीं करती, ये वीडियो बस आपकी हेल्प करने के लिए है, क्योंकि ये जो तीनों भी ब्रांड्स हैं जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और साथ ही साथ इनके कस्टमर रिव्यूज़ भी बहुत ही अच्छे हैं। कस्टमर के रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं अगर आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो। तो ये तीनों भी ब्रांड्स की क्वालिटी जिम इक्विपमेंट्स के रिलेटेड में बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो होम जिम इक्विपमेंट्स खरीदने का, डंबल्स, प्लेट्स या फिर रॉड्स खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो खरीदने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना एंड तक, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से जिम इक्विपमेंट्स, कौन से ब्रांड के जिम इक्विपमेंट्स आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए फिर बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, अभी सबसे पहले बात करते हैं डंबल्स के बारे में। अगर आप प्लान करो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ डंबल्स खरीदने का, तो आप लोग खरीद सकते हो कोबो के हेक्सागोनल डंबल्स। इसकी अमेजोन पर रेटिंग बहुत ही अच्छी है, 4.6 या 4.5 रेटिंग है और कस्टमर रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है कि कस्टमर रिव्यूज़, कि कस्टमर ने कैसे रिव्यूज़ दिए। तो आप लोग देख सकते हो इसकी कस्टमर रिव्यूज़ भी बहुत ही अच्छी है, आप लोग को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना इसके कस्टमर रिव्यूज़, इसकी रेटिंग। और सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप लोग देख सकते हो ऊपर से ये रबर कोटेड है और अंदर से ये मेटल है, यानी कि आप लोग इसे बिंदास रफ यूज़ कर सकते हो। और इसके बीच में जो रॉड लगा हुआ है उसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हो, जिसको कर्लिंग भी बोलते हैं। क्या होता है, जिम करते वक्त यानी कि वर्कआउट करते वक्त अपने हाथों में पसीना आता है, तो ग्रिप छूटने की भी बहुत चांसेस होते हैं, तो इसीलिए इसकी ग्रिप बहुत मैटर करती है। तो इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। तो आई होप आप लोगों ने डंबल अच्छे से देख लिया होगा स्क्रीन पे। और ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल 1 kg, 5 kg, 10 kg। तो इसका प्राइस भी डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज का खरीद रहे हो। 5 kg का खरीद रहे हो तो अलग प्राइस है, 10 kg का खरीद रहे हो तो अलग प्राइस है। तो आप लोग को प्राइस चेक करना है तो आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके अमेजोन से डायरेक्ट चेक कर सकते हो। और ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अमेजोन से खरीदना। तो आप लोग को अगर खरीदना है तो अमेजोन के लिंक चेक कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो डंबल्स खरीदने का अपने होम वर्कआउट के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कोबो के हेक्सागोनल डंबल्स। और बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल है, लेकिन मेरे को ये बेस्ट लगा तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपका बजट बहुत ही कम है या फिर आप एक बिगनर हो, कभी वर्कआउट किया नहीं है लेकिन अभी वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप लोग PVC के डंबल्स खरीद सकते हो, प्रो टोनर के PVC के डंबल्स। आप लोग के स्क्रीन पे फोटो आता रहेगा। मैं हालांकि PVC रेकमेंड नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अवॉइड करो PVC, लेकिन अगर आपका बजट बहुत ही कम है या फिर आप बिगनर हो, कभी वर्कआउट किया नहीं है, तो आप लोग ये खरीद सकते हो, प्रो टोनर के PVC के डंबल्स, जो कि बहुत ही सस्ते आते हैं, ये 1-2 महीना आराम से चल जाएंगे। इसकी लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन अगर आप एक एडवांस लेवल पे वर्कआउट करते हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोबो के रबर कोटेड डंबल्स ही खरीदें, जो कि आपको आराम से लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। PVC से आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा वर्कआउट करने के लिए। तो डंबल्स के लिए ये 2 ब्रांड मैंने सजेस्ट किए, रबर कोटेड के लिए कोबो और PVC के लिए प्रो टोनर, जिसके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग जाके चेक कर सकते हो कस्टमर रिव्यूज, रेटिंग और प्राइस। तो चलिए फिर अभी बात करते हैं प्लेट्स और रॉड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्लेट के बारे में। अगर आप प्लेट बाय करना चाहते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो आप लोग बाय कर सकते हो कोकाटो नाम का जो ब्रांड है, आप लोग के स्क्रीन पर आप लोग फोटो देख सकते हो। ये ब्रांड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसके ओवरऑल प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन अभी प्लेट के बारे में बात करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर आप लोग फोटो देख सकते हो,
ये प्लेट काफी सारे जिम्स में भी यूज होती है। आप लोग अगर जिम जाते हो तो आप लोगों को पता रहेगा। अगर इसके क्वालिटी के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो ये ऊपर से रबर कोटेड है और अंदर से मेटल है, तो इसको भी आप लोग रफ यूज कर सकते हो बिंदास, ये टूटेगा नहीं और आराम से एक दो साल के लिए चल जाएगा, मिनिमम एक दो साल की बात कर रहा हूँ। और इसमें भी वेरिएशन अवेलेबल है, ये जो आप लोग देख सकते हो ये एक नॉर्मल प्लेट है जो जिम में यूज होता है, और ये एक 7 होल वाला, पता नहीं मेरे को दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लेकिन मैं ज़्यादा करके ये जो 3 होल वाला यही प्रेफर करता हूँ। और इसमें भी अलग अलग साइजेस अवेलेबल है, तो आप लोग जो साइज का लेना है वो साइज सेलेक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस पता चल जाएगा किसका प्राइस कितना है। इसके लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ये प्रोडक्ट की, आप लोग जाके चेक कर लेना। अमेजोन की लिंक मिल जाएगी आप लोग को, मैं ज्यादा करके अमेजोन प्रेफर करता हूँ जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला, क्योंकि अमेजोन की डिलीवरी भी बहुत फास्ट है। अगेन अमेजोन भी मेरे को बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं करता। प्लेट के बारे में आप लोग को पता चल गया, प्लेट के भी बहुत सारे ब्रांड है लेकिन ये ब्रांड बेस्ट है। अगर आपको होम यूज के लिए चाहिए, रफ यूज करना है, जैसा यूज करना है आप लोग कर सकते हो, ये बेस्ट है कोकाटो। तो अगर आपको बाय करना है तो इसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं रॉड के बारे में। अगर आपको एक ओलंपिक बार खरीदने का है जो कि 7 फीट का होता है, जो कि डेडलिफ्ट कर सकते हो आप लोग, स्क्वाट्स कर सकते हो, शोल्डर ओवरहेड प्रेस कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो, या फिर अपना चेस्ट प्रेस कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो आप लोग, तो रॉड के लिए भी आप लोग कोकाटो का रॉड खरीद सकते हो। कोकाटो का जो बार्बल है ओलंपिक का 7 फीट, आप लोग स्क्रीन पे आप लोग जो फोटो आ रहा है आप लोग देख सकते हो। तो ये अभी फिलहाल अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है शायद, हाँ अभी शायद अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको इसको बाय करना है तो इसकी साइट की लिंक आप लोग को दे दूंगा, यानी कि कोकाटो का वेबसाइट की लिंक आप लोग को दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके बाय कर सकते हो। और ये एक ओलंपिक रॉड है जिसकी हाइट 7 फीट है, ये काफी सारे जिम्स में भी यूज होता है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको रॉड बाय करना है तो आप लोग कोकाटो का रॉड बाय कर सकते हो। तो आप लोग प्लेट और रॉड के लिए कोकाटो बहुत ही बेस्ट ब्रांड है। तो आई होप दोस्तों अभी आपको क्लियर हो गया रहेगा कि अगर आपको जिम इक्विपमेंट्स खरीदने हैं तो कौन से ब्रांड के आपको खरीदना चाहिए, ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी मिले और आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट भी ना हो। बाकी बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ, मेरे को जो अच्छे लगे वो आप लोग को मैंने सजेस्ट किए, रिकमेंड किए। तो लिंक सारे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके एक बार जरूर चेक कर लेना, और अगर कुछ गलत बोल दिया रहेगा तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए फिर यहाँ पर वीडियो को एंड कर देते। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर की वो अगर आपको यूजफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक करते हुए जाना। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप लोग मेरे को पूछ सकते हो, 101% आपको आंसर करूंगा मैं। और चैनल पे नहीं हूँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि हम लोग ऐसे ही कनेक्टेड रह सके और ऐसे ही मैं आप लोग को यूजफुल वीडियोस दे सकूं जो आप लोग के काम आए। और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो मैं पोस्ट करूं आप लोग मिस ना करो। तो चलिए आप लोग से मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान देना, बाय बाय, टेक केयर।